सो हेलो गाइस, जयपुर फूड एक्सप्लोरर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर है। तो अभी बेसिकली ये जो मैटर है काफ़ी लंबा खिंच गया है और थोड़ी सी और कई ऐसी चीज़ें हो गई है कि मुझे लगता है और लंबा खींचेगा। मतलब खींचेगा तो क्या, वो तो आए दिन कोई ना कोई चीज़ें होती रहेंगी इसके अंदर। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं इस टॉपिक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये पिछले हफ्ते 10 दिन से ये चीज़ चल रही है और उस बीच में मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका, बट दोनों ही वीडियो में मैंने इसका कोई टॉपिक नहीं छेड़ा। क्योंकि मेरे हिसाब से जो YouTube और TikTok है वो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। TikTok भी ऐसा नहीं है कि उसमें खाली लड़के लड़कियां बनते हैं, बस वही चीज़ देखने को मिलती है या और कोई फालतू चीज़, उसमें भी कई अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और YouTube है, YouTube भी पूरा अपना खुद का एक, उसमें आप ऐसा नहीं आपने वीडियो निकाला और वीडियो को शूट किया और आपने डाल दिया, आपको उसमें एडिटिंग होती है, कई गाइडलाइंस होती है, कई चीज़ें होती है, थंबनेल वगैरह होते हैं वो आपको देखने पड़ते हैं उसमें। लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ हुई जिससे मुझे रियली में मुझे लगा कि यार अब तो वीडियो जो है बनाना ही चाहिए। जब टिकटॉकर्स ने कुछ वीडियो बनाया कि हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, ये वो, उसके बाद एक कैरी मिनाती ने वीडियो बनाया और उस वीडियो को, वो वीडियो इंडिया का सबसे ज़्यादा उसके ऊपर लाइक्स आए थे वो वीडियो बना, और कितने ही रिकॉर्ड तोड़े उस वीडियो ने। और हुआ क्या, 1-2 दिन बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। तो ये मतलब जब ये चीज़ मालूम पड़ी मुझे और जब पूरी स्टोरी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत बुरा लगा। और एक ये बहुत ही बुरी बात है किसी क्रिएटर के लिए, एक वीडियो बनाना क्या होता है, वीडियो बनाना, और वीडियो बनाना भी चलो ठीक है, वीडियो बना दिया, बाद में उसको एडिट करना, उसको एडिट करना, ये बात टिकटॉकर्स भी अच्छे से जानते हैं और यूट्यूबर्स तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और उसने बंदे ने इतनी मेहनत करी। और एक और चीज़ से मैं सरप्राइज हुआ कि कैरी मिनाती की एज से, मेरे को तो पता नहीं था, मुझे लगा कोई पता नहीं क्या, जो कि उसकी 20 साल एज है। और उसने बताया, एक इमोशनल उसने वीडियो डाला था या फिर एक नोट था जिसके अंदर उसने लिखा था कि वो 10 साल की उम्र से उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये तो एक बहुत हमारे एक तरीके से नुकसान है, एक तरीके से हमारा ये टॉप इतने ज़्यादा लाइक्स वाला एक वीडियो होता जिसको डिलीट ही कर दिया। और डिलीट का भी रीज़न हम सब जानते हैं, सारे टिकटॉकर्स ने मिलकर इसको रिपोर्ट पर रिपोर्ट किया होगा। तो ये डिलीट करने वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैं पूरे 100% कैरी मिनाती के सपोर्ट में हूँ। और आप भी आज वाले वीडियो में, आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा चैनल को, आज वाले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना। और अगर आप यूट्यूब के कैरी मिनाती के सपोर्ट में और यूट्यूब के सपोर्ट में, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो आज का डेली, और हाँ एक चीज़ कर लेते हैं, वो भी करना बहुत ज़रूरी है, टिकटॉक। Are you sure? Yes. हो गया। मैं वैसे हालांकि TikTok पे खुद नहीं हूँ, मेरे ख्याल TikTok वीडियोस देखने के लिए कर रखा था, लेकिन अब से जो हुआ है अब से वो भी नहीं। थैंक यू।